एवरीवन इज पोस्टिंग अबाउट रिवाइंड वीडियो, मुझे भी करना है यार, पर क्या क्या हुआ इस साल में। हाँ तो 2020 के टफ साल के बाद एक नई खूबसूरत स्टार्टिंग। न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने हम गए भोपाल। वी वेंट देयर टू मीट अ नानी और एक खास दोस्त से भी। अब सूखा सूखा न्यू ईयर हो जाए, ऐसा पॉसिबल है क्या? तो पहले ही दिन हुआ एक डरावना हादसा, पर खैर वापस मिल गया। और कुछ ऐसा भी हुआ। अब घर लौटकर नॉर्मल लाइफ शुरू हो चुकी थी, एंड देन मैंने ज्वाइन किया ट्राइवाइव एंड वायरल फ्यूजन, व्हिच बिकेम द बेस्ट थिंग ऑफ द ईयर। क्यों? रुको जरा, सबर करो। और फिर आया एक डब्बा। कौन सा? देखो, आई वॉन द बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ इन द ट्राइवाइव। एक्चुअली एक और सबसे खास और कीमती पहला अप्रिसिएशन गिफ्ट, वो भी हैंडमेड। तब लगा कि सबसे बड़ा अचीवमेंट वो है जब लोग आपसे प्यार करें और आपके काम को प्यार करें। बहुत खुशी हुई जानकर कि कुछ लोग तो हैं जो मुझे देखना चाहते हैं, वीडियो बनाते और जिंदगी में आगे बढ़ते। तो फिर क्या, हमने भी ले लिया चैलेंज खुद के लिए, 7 days 7 vlogs। जोश में शुरू किया था, पर लगा मुझे तो कहानियां सुनानी थी बॉस, एंड कहानियां सुनाने में टाइम लगता है। स्टिल वी कम्प्लीटेड इट। अब हमारे सामने आई एक अच्छी और एक बुरी न्यूज। अच्छी ये कि मेरे YouTube में 100 के व्यूज क्रॉस कर लिया था, पर बुरी ये कि एक कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ गया था बॉस। चलो पर ठीक है, हम क्या कर सकते हैं। और मई आते आते ना तो कोरोना एक बार फिर से पीक पे था, और मुझे और मेरे पापा को हो गया कोरोना। कोविड से ठीक होने में टाइम नहीं लगा, पर वीकनेस से बहुत देर तक वीकनेस रही। खैर फिर आया मेरे दादाजी का बर्थडे, और हमने मनाया दादाजी का 85th बर्थडे, वो भी अपनी फैमिली के साथ। एंड बॉस, जून बना इस साल का सबसे रोलर कोस्टर मंथ। आई वॉज कॉल्ड एज अ गेस्ट स्पीकर बाय 3 ऑडियो एंड वीडियो प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल्सो फॉर अ कॉलेज फेस्टिवल। एंड नॉट टू फॉरगेट, आई गॉट द फर्स्ट प्राइज इन पैन इंडिया कॉम्पिटिशन बाय पल्सर एंड ट्राइवाइव, एंड एज अ प्राइज आई वॉन पल्सर NS160 वर्थ 1.5 lakh। सपने जैसा लग रहा था कुछ समय के लिए, बट ऑल्सो बिग थैंक्स टू ट्राइवाइव। बहुत खुशी थी सबको, एंड मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड थे, एंड मैं भी बहुत प्राउड था खुद पर। खूब पार्टी हुई, बहुत खुशियां मनाई, पर इन सब के बीच में कुछ अलग सा लगा। लगा कि ये चमचमाती दुनिया में खुशियां बहुत हैं, पर सुकून नहीं दिख रहा। कुछ दिनों, हफ्तों, महीनों तक तो ये सवाल था कि अब आगे क्या। इतना कुछ पाने के बाद भी मैं ग्रेटफुल क्यों नहीं फील कर पा रहा हूँ। कैसे इतनी बड़ी खुशी अब खुशी सी नहीं लग रही है। पर कहा था ना कि जब आपके पास वो लोग हैं जो आपसे प्यार करें तो सब ठीक होने लगता है। मुश्किल था पर खूबसूरत भी। कुछ नया शुरू किया, एंड कॉन्टेक्टेड लेंसेज भी ट्राई किए फर्स्ट टाइम। और इसी बीच हमारे चैनल ने हिट किए 4000 आवर्स का वॉच टाइम, एंड उससे चैनल मोनेटाइज हो गया बॉस, मतलब अब शुरुआत हो चुकी है। एंड फिर मैंने बनाई द फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री ऑफ माई लाइफ, द अपडेट फिल्म। और इसी बीच पल्सर इंडिया ने हमें भेजी कुछ प्यारी सी गुडीज। सितंबर आते आते आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स एंड मेडिटेशन भी स्टार्ट कर दिया। एंड कुछ टाइम बाद आई गॉट अ न्यू फोन, रियलमी X7 मैक्स। फैमिलीज के साथ गेट टुगेदर हुआ, एंड आई कोलैबोरेटेड विद लावी वर्ल्ड एंड मेड अ प्रोडक्ट कमर्शियल ऑफ द बैग। और बॉस, एड मेकिंग कॉन्टेस्ट में जो फर्स्ट आया उसको कैसे भूल सकते हैं। एज ए रिजल्ट आई कोलैबोरेटेड विद सागा जयपुर एंड मेड अ कमर्शियल एड फॉर इट। इंस्टा पर डला है, आप चाहो तो एक बार जाके नजर मार सकते हो। एंड ऑन बर्थडे आई गिफ्टेड माई सेल्फ अ स्मार्ट वॉच। और चलते चलते अक्टूबर आ चुका था, एंड आई केम बैक टू कॉलेज। और 1.5 साल के बाद ऑफलाइन क्लासेस अटेंड की, काफी नया एक्सपीरियंस था बट खुशी थी। आई मेट माई फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स, मतलब मेरे इमोशन फैमिली के प्यारे लोग। और हैलोवीन पार्टी भी अटेंड की, एंड देन आई मेड द सेकंड डॉक्यूमेंट्री ऑफ माई लाइफ, बैक टू कॉलेज। और बॉस, इसमें जो मेहनत लगी ना वो शायद ही किसी वीडियो में लगी होगी, बट रिस्पॉन्स देख के आई वॉज सो हैप्पी। नवंबर आते आते आई वेंट ऑन अ रोड ट्रिप विद माई इमोशन फैमिली, एंड उसमें जो कांड हुआ ना बॉस, अलग ही बात है उसकी तो। आई सेलिब्रेटेड दिवाली विद माई फ्रेंड्स, वेंट टू लुधियाना, एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग माई फियर पब्लिक स्पीकिंग। नाउ कम्स द लास्ट मंथ ऑफ दिस ईयर, दिसंबर। आई रोट माई फर्स्ट एंथोलॉजी विद 20+ co-authors अराउंड द वर्ल्ड, एंड एंजॉयड माई हॉस्टल लाइफ। एंड एट लास्ट आई हिट द 2K सब्सक्राइबर्स। इस साल सोचा नहीं था होगा, बट वी डिड इट। इस साल ने बहुत कुछ सिखाया यार, फ्रॉम पेन टू हार्डवर्क टू पैनिक टू सक्सेस एंड अ लॉट ऑफ न्यू एक्सपीरियंसेस। आई केम क्लोज टू माई सेल्फ, आई चेंज्ड कम्प्लीटली बट इन अ गुड वे। थैंक यू सो मच एवरीवन, जिसने मेरा साथ इस सफर में दिया है ना, थैंक यू सो मच फॉर दैट। आई होप 2022 वुड बी द ईयर ऑफ लर्निंग एंड सक्सेस, एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और साल का एंड हमने कुछ ऐसे किया, और हमारा सफर तो जारी रहेगा। तो फिर मिलते हैं नई कहानियों के साथ जल्दी।